अभी हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि इस मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, मतलब जो स्पेशल शॉट निकलता है उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं या फिर डोज को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपने अपनी स्केल का यूज करना है, उस पर कप रखना है और मेक श्योर कि आपका जो बेइंग स्केल का वजन है वो जीरो हो। देन आपने ग्रुप हेड को यहाँ पे फिक्स करना है एंड ये वाला जो बटन है मैनुअल बटन स्टार वाला, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब काफी लंबे टाइम तक दबा के रखना है, लगभग 10 से 15 सेकेंड, जब तक कि इसके बाद काउंटर डोज के बाद दोबारा से ये भी मोड में जाएगा। जब तक ये प्रोग्रामिंग मोड में नहीं आता तक आपने ये बटन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कुछ इस तरीके से लाइटिंग्स आपकी जलती रहनी चाहिए, तब ये मशीन आपकी कैलिब्रेशन मोड में है। आप चाहें तो सिंगल शॉट कर सकते हैं, आप डबल शॉट, ये शॉट, इसके बाद ये, जो भी आप चाहें वो अपने अकॉर्डिंग कैलिब्रेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन हमें डबल शॉट, हमारे कॉफी में डबल शॉट यूज करते हैं तो हम डबल शॉट को कैलिब्रेट करेंगे। अब जब तक ये कैलिब्रेट होगा और ये वाला ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो जाता है, बट मेक श्योर आप चाहें कि नहीं हमें दोनों में ही अपने अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करने हैं, तो दोनों जगह आपने इसी को ही प्रेस करना है, देन आप जाके आगे की जो है कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम इसको कर रहे हैं कैलिब्रेट। मुझे चाहिए मेरा डोज 40 ग्राम, तो मेरा हो चुका है 30 और मैं इसको कर देता हूँ होल्ड, तो मेरा हो गया है यील्ड 40 ग्राम, ठीक है। अब चाहें तो मैं ये भी कैलिब्रेट कर सकता हूँ, ये भी, मतलब जो मेरा ब्लिंक होना बंद हो चुका है वो कैलिब्रेट हो चुका है, जो ब्लिंक कर रहा है मतलब वो पेंडिंग है, बट मुझे उसकी नीड नहीं है, तो इसीलिए मैं इस प्रोग्रामिंग को आउट कर रहा हूँ। तो आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। एग्जिट करने के लिए हम सेम बटन दबाएंगे और हम बाहर आ गए, ठीक है। थैंक यू।